कितना ध्यान में होना। आज इस तारीख को कसम खाइए, मेरा हाथ मेरे माँ बाप के बाद कोई छुएंगे तो मेरा हस्बैंड छुएगा। Nobody can touch my hand, कोई मुझे छू नहीं सकता। यहां लोग 10 दिन का सेशन अटेंड करे तो 10 बुरखे होना। क्यों? बुरखा दिखाना है लोगों को मेरे पास कितने बुरखे हैं। मतलब बुरखे के डेफिनेशन को ही जीरो कर दिया आपने। वो बुरखों में खींच लेते हैं कमर पे रस्सियां डाल के ताकि उसका पूरा शेप नजर आए लोगों को। अब वो बुरखा नहीं पहनकर जो चल रही है ना, कसम खुदा की वो हजार गुना अच्छी है जो बिना बुरखा जा रही है। अब जो बुरखों में जो नुमाइश कर रही है अपने जिस्म का, ऐसे बुरखे भी अवेलेबल है मार्केट में। और वो वालिदैन देख रहे हैं कॉलेज को जाते हुए बच्ची को, आंखों में कीड़े पड़ गए, क्या हुआ, नजर नहीं आ रही है, बच्ची का जिस्म दिख रहा है पूरा, आपको अंधे हो गए हो आप, बाजार में लड़के पीछे कुत्तों की तरह घूमेंगे उसके पीछे, वो हालत से आप अपनी बेटी को बाहर निकाल रहे हो। वालिदैन की तरबियत नहीं है, ले आकर आपके वालिद को जहन्नुम में डाल देंगे अल्लाह तरबियत नहीं करने की वजह से। क्या आप चाहते हैं आपकी वजह से आपके वालिद को आग में फेंका जाए? ये होने वाला है तरबियत नहीं करने की वजह से। फिर अल्लाह रहीम है, देखो सिर्फ वालिद को जहन्नुम में डालूंगा नहीं बोल रहा है, एक लड़की की अच्छी तरबियत करके, अच्छी तालीम देके, अच्छे घराने में शादी किए, जन्नत वाजिब है उस बाप को, जन्नत वाजिब है उस बाप पर, जन्नत वाजिब उस बाप पर, वादे हैं अल्लाह सुबहानहू तआला के। एक लड़की को, लड़के 10 लड़कों को शादी कराओ, जन्नत वाजिब अल्लाह ने वादा नहीं किया। एक लड़की, सिर्फ एक लड़की को अच्छी तरबियत करो, नजरों में रखो, फूलों की तरह पालो, गुनाहों से बचाओ, उसको अच्छी शादी करो, अच्छा खिलाओ, अच्छा पढ़ाओ, जन्नत है। इसका मतलब अगर नहीं करें तो सोचना, ये बात समझने की बात है। बाप को दोजख में डालने वाली बन जाती हैं लड़कियां, ऐसे कपड़े, ऐसे ड्रेसिंग कपड़े पहनते हैं लड़कों को उभारने के लिए, प्रवोक करने के लिए। ऐसी नीयतें अगर है तो उसको तर्क कर दें, आप लोग छोड़ दें, डेफिनेशन को समझें। जानवरों की शर्म का प्राइवेट पार्ट्स को अल्लाह ने छुपाया है दुमों के जरिए से। आप देखते हो परिंदों को, चिड़िया देखो, चिड़िया की शर्मगाह है, दिखता है आपको सीधे? नहीं दिखता है। सबके शर्मगाह को दुम लाकर छुपाया अल्लाह ने, हिजाब किया है उन लोगों को। उनको कपड़े हैं? कपड़े नहीं है, तो कैसे छुपाया अल्लाह ने? हाँ जी, दुम के जरिए से सबके शर्मगाह प्राइवेट पार्ट्स को छुपा दिया। आज नुमाइश, अब मूवीज में, गानों में देखो क्या नुमाइश, कपड़ों को पूरा उतार कर नंगा नाच हो रहा है, और वो टीवियों में देख रहे हैं सब लोग, मोबाइल्स में देखे जा रहे हैं सब लोग, कितना कॉमन। जानवर को अल्लाह ने दिखाया छुपाकर, उससे भी हमको तरबियत नहीं मिल रही है, उससे भी हमें एक लेसन नहीं मिल रहा है। जवान बच्ची 18-20 साल की है, वहां एक 20 साल का लड़का है, उसको हाथ दे रही है, वो हाथ पकड़ रहा है, डिजाइन कर रहा है, वो हाथ पकड़ने के बाद उसको फीलिंग्स होते होंगे ना, फिर जन्नत में जाएगा वो हाथ? कैसे आप थमा दे रहे हैं एक नौजवान बच्चे के हाथ में अपनी बेटी का हाथ, और वो मेहंदी डिजाइन कर रहा है यहां से यहां तक, कोई गैर महरम छू रहा है आपके बेटी के हाथ को, और मां खड़े होकर के देख रही है अपनी आंखों से। वो आंख जन्नत में नहीं जा सकती जब तक कि वो जले ना जहन्नुम में। ये माए ये कर रही हैं, ले आकर शोहर को छुपाती हैं, शोहर को नहीं बताती हैं, बेटी को ले आकर ऐसे हाथें दे रही है। अब वो हाथ पकड़ने के बाद उसके अजीब फीलिंग हो जाती है, उसका नंबर है, अब वो फलाने उससे इससे चैटिंग करेगा, 3-4 महीने 8 महीने तक बताएगा नहीं, अपने आप को अंबानी का नवासा हूं मैं, ऑस्ट्रेलिया में मेरा फार्म हाउस है, ये है वो है, सब ये वो बातें करके फंसा लेता है। ये सारी चीजें होते आ रही हैं। याद रखो नौजवान बच्चियां, जितने भी स्कूल कॉलेज गोइंग की लड़कियां हैं, आज इस तारीख को कसम खाइए, मेरा हाथ मेरे माँ बाप के बाद कोई छुएंगे तो मेरा हस्बैंड छुएगा। Nobody can touch my hand, कोई मुझे छू नहीं सकता। ये अहद कर लें आप लोग, इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह।